हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वोल्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज विभाग की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, केवल 10वीं क्लास पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत की इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप दोस्तों 10वीं क्लास पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है, तो आप सभी के लिए बंपर वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, tipsworldbus.xyz, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन सभी डिपार्टमेंट की नई भर्तियों की जानकारी की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो आज ही हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, भर्तियों की जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहें तो दोस्तों इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से, TNPSC की तरफ से, जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है, बड़ी भर्ती है। 700 से अधिक पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो पद जारी किया गया है वो आप देख सकते हैं, रोड इंस्पेक्टर की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। 761 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन ही आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। वही बात करते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें केवल आपका एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी। सैलरी की बात की जाए तो 19,500 से 71,900 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी भी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है, ठीक है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, तो कम से कम जो है 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 37 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईसीयू में छूट भी है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी के एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पर एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों ही ली जा रही है, वो जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए है, जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैंडिडेट्स को पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपकी 150 रुपए रहेगी, आप देख सकते हैं, और एग्जाम फीस जो है आपकी 200 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, और लोकेशन जो है तमिलनाडु की रहेगी, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि केवल 10th क्लास पास कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो थोड़ा आपको क्लियर कर देते हैं, ताकि आप अप्लाई कर सके अगर लास्ट डेट बाकी है तो। तो दोस्तों आवेदन आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 11 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो 11 फरवरी से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है और नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं TNPSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके कि कौन सी पोस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड इंस्पेक्टर की पोस्ट जारी की गई है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती है और यहाँ पर 761 पोस्ट है। सैलरी आप देख सकते हैं कितनी आपको यहाँ पर मिल रही है, केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों आज ही अप्लाई कीजिएगा। इस वैकेंसी को लेकर के कोई भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आप दूसरे किसी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके अपने स्टेट का नाम और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपके स्टेट के आसपास की भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।